आज हम लोग किसी फंक्शन का डोमेन निकालना सीखेंगे। देखिए, इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोग फंक्शन क्या है यह सीख चुके हैं और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जहां पर फंक्शन गिवेन होगा और उसका डोमेन हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अगर आपको किसी फंक्शन का डोमेन निकालना है, कोई फंक्शन एफ है, तो सबसे पहले आप एफ एक्स की जगह वाई पुट करिए, ठीक है, और उसके बाद डिस्कस करिए एग्जिस्टेंस ऑफ वाई फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स। फिर देखिए कि उस फंक्शन में एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यू एक्स की हम लोग रख सकते हैं जिनके लिए हम लोग को वाई मिलेगा। वाई मिलेगा मतलब इमेजेज मिलेंगे। तो अगर इस तरह के एक्स जो हम लोग फंक्शन में रख सकते हैं उनकी वैल्यू को कलेक्ट कर लेंगे तो उसी को कहेंगे हम लोग फंक्शन का डोमेन। इसका मतलब क्या है, फंक्शन में एक्स की वह पर्टिकुलर वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अभी एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो बात क्लियर होगी, लेकिन इसके पहले देखिए कुछ बातें हैं जो हम लोग को पहले से समझ लेना चाहिए कि कहीं पर अगर देखिए ए अपान बी लिखा हुआ है ना, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर है, तो कोई क्वांटिटी अगर न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो वह तभी एग्जिस्ट करेगी जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो बहुत छोटी सी बात है जो आप लोग जानते हैं, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया। अब देखिए कहीं पे रूट ए लिखा हुआ है, रूट में कोई क्वांटिटी है, तो रूट में कोई क्वांटिटी है वह तभी एग्जिस्ट करेगी जब रूट के अंदर की जो क्वांटिटी हो जीरो या जीरो से बड़ा हो, ठीक है। और अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिखता है वन अपान रूट ए, तो यह तब एग्जिस्ट करेगा जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता, जीरो होगा तो फिर ना डिफाइंड टर्म आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि वन अपान अंडर रूट ए तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं और क्वेश्चन के थ्रू यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी फंक्शन का डोमेन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो शुरुआत हम लोग पहले आसान क्वेश्चन से करेंगे। तो देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पर लिखा गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स। तो अब पहले इसको आप देखेंगे, देखिए फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स। तो कहा गया, देखिए प्रोसेस हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप एफ एक्स को वाई लिख दीजिए, है ना। तो एफ एक्स को हमने वाई लिखा तो कितना हो गया एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो वाई है वह न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये जो वाई है वाई इज एग्जिस्ट इफ, देखिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो हो, है ना। वाई तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके बाद हम लोग निकाल पाएंगे। तो इसको फैक्टर कर लेते हैं 2x, इसको आप फैक्टराइज करिए कैसे, 6x माइनस एक्स माइनस सिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, x कॉमन कर लीजिए, x प्लस सिक्स माइनस वन कॉमन कर लीजिए, x प्लस सिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो x प्लस सिक्स और x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू वन और x नॉट इक्वल टू माइनस सिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये आप चाह रहे हैं कि ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करे तो x की दो वैल्यू नहीं ले सकते। कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते, वन नहीं ले सकते और माइनस सिक्स नहीं रख सकते। देखिए क्यों ऐसा होगा, अगर आप यहाँ पे वन रखते हैं तो देखिए जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर, और अगर माइनस सिक्स रखते हैं तो देखिए सिक्स का स्क्वायर 36 और यह माइनस थर्टी सिक्स तो जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह y एग्जिस्ट करेगा, मतलब इमेजेस मिलेंगी जब x वन और माइनस सिक्स ना हो, मतलब यह दो नंबर छोड़ करके हर x की इमेजेज हम लोग को मिलेंगी। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r रियल नंबर एक्सक्लूडिंग माइनस सिक्स और वन, मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वह r रियल नंबर है एसेट माइनस सिक्स और वन, मतलब माइनस सिक्स और वन की इमेजेज हम लोग को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस फंक्शन के डोमेन में यह शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए पहला पार्ट हम लोग बहुत इजीली फॉर्म कर पाए। अब देखते हैं दूसरा, कहा गया एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, आप इसको वाई लिख लीजिए,
2x प्लस 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x की जगह हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज रखेंगे कि y मिलेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, न तो अपान में है, a अपान b का फॉर्म है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, न ही रूट है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसका मतलब यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमेशा y मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, y इज एग्जिस्ट फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, मतलब हर रियल नंबर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हर रियल नंबर की इमेज मिलेगी, इसका मतलब हर रियल नंबर इसके डोमेन का पार्ट होगा, मतलब इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। ठीक, तो आप इसको पहले वाई लिख दीजिए, मॉड एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे देखिए मॉड है, तो यहाँ पर आप मॉडुलस फंक्शन पढ़े थे, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स की कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए, पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, जीरो, कोई भी रियल नंबर आप सब्स्टिट्यूट करिए, वाई एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, वाई इज एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब है इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो अभी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, है ना। तो इस फंक्शन का डोमेन हम लोग क्या निकाल पाए, ऑल रियल नंबर। एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन है यह, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक, इसका मतलब वाई इज एग्जिस्ट इफ, कब एग्जिस्ट करेगा वाई, देखिए रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वह जीरो या जीरो से बड़ी हो, तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जीरो। इसका मतलब हो गया कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, देखिए वन उधर ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब है कि अगर आप इमेजेस चाह रहे हैं तो एक्स की जो वैल्यू है वन या वन से ग्रेटर होनी चाहिए। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ फंक्शन लिखा गया है एफ, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में एक्स प्लस वन। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी को देखते हैं, ध्यान दीजिए, तो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, पहले आप इसको y लिख दीजिए, अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब देखिए y इज एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगा, जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है वह जीरो या जीरो से बड़ी हो, है ना। इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो, माइनस वन। मतलब अगर आप इमेजेस चाह रहे हैं तो जो y की वैल्यू है माइनस वन या माइनस वन से बड़ी हो। इसका मतलब है कि यह जो फंक्शन f है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस वन टू इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन का डोमेन हम लोग पा गए माइनस वन टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में x की यह सभी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो आप सबसे पहले इसको y लिख लीजिए, y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, y इज एग्जिस्ट इफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। या आप इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। अब देखिए इसका रेंज हम लोग अभी नहीं फाइंड कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं, तो डोमेन पे कंसंट्रेट करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए इसके लिए एक आसान तरीका हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप पहले नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है, और उसके बाद देखिए कि यहाँ पर किस क्वांटिटी का स्क्वायर जो है एग्जैक्टली 4 होता है। पहले आप ये पता कर लीजिए कि किस क्वांटिटी का स्क्वायर 4 होता है। तो देखिए दो क्वांटिटी का स्क्वायर 4 होता है, 2 का और माइनस 2 का। ठीक, देखिए हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटीज है यह, और इसको हम लोग आगे चैप्टर्स मिलेंगे जहाँ पर वहाँ पर डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज के बारे में। फिलहाल यहाँ पे हम लोग डोमेन निकाल रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को हम बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि किसका स्क्वायर एग्जैक्टली 4 होता है, फिर ट्रायल बेसिस पे आप नंबर देखिए तीन कैटेगरी में बढ़ गए हैं, इसके बीच का नंबर रख के देखिए, ट्रायल बेसिस पे कोई भी नंबर अगर सेटिस्फाई करता है तो टिक कर दीजिए। जैसे 2 से बड़ा नंबर रखिए 3, तो 3 का स्क्वायर 9 सेटिस्फाई कर रहा है ना, 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, तो आप इसको सही टिक कर दीजिए। ठीक, और उसके बाद अब इसके बीच का कोई भी आर्बिट्री नंबर रखिए जो आपको आसान लगे, जैसे 1 रख दिया है ना इसके बीच में, तो 1 स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 नहीं, तो इसको आप कट कर दीजिए, यह सेटिस्फाई नहीं करेगा। और फिर -2 से छोटा नंबर रख लीजिए,
जैसे -3 -4 कोई एक नंबर -3 रख दीजिए, -3 का स्क्वायर भी कितना 9 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इसको सेटिस्फाई करने वाले जो यक्स हैं वह यह है या यह है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन हो गया वह क्या हो गया, -∞ से -2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि -2 आप लेंगे यूनियन 2 to ∞। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में आप या तो 2 या 2 से बड़े नंबर रखिए या -2 या -2 से छोटे नंबर रखिए। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वह यह हो गया, ठीक है। और देखिए इनइक्वालिटीज़ है और इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए तीसरा पोर्शन आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिए fx इज इक्वल टू √9 - x², ठीक। तो पहले आप इसको y लिख दीजिए, y इज इक्वल टू 9 - x². अब उसके बाद देखिए y इज एग्जिस्ट कब, इफ 9 - x² इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या 9 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू x². अब यहाँ पे देखिए फिर वही काम करिए कि यह देखिए कि नंबर लाइन पर जिसका स्क्वायर एग्जैक्टली 9 होता है वह लिख लीजिए। तो किसका होता है, 3 का और -3 का। अब नंबर रख करके देखिए, इधर का नंबर रखिए और यह 3 कैटेगरी है ना, 3 से बड़ा नंबर रखिए। जैसे रखिए 3 से बड़ा नंबर रखिए, 4 स्क्वायर करिए कितना 16, तो 9 इज ग्रेटर देन 16 नहीं ना, सेटिस्फाई नहीं किया तो इसको कट कर दीजिए। मतलब यह वाले नंबर सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। अब इसके बीच का कोई नंबर रखिए, जैसे 1 रखिए, देखिए 1 का स्क्वायर 1 9 से छोटा है, इसको टिक कर लीजिए, मतलब यह नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इधर का नंबर रखिए, जैसे -4 -5, तो -4 16, तो देखिए 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 16 नहीं, गलत है ना, तो यह नहीं सेटिस्फाई किया। इसका मतलब जो यह सेटिस्फाई इसको कर पा रहे हैं वह -3 और 3 के बीच के हैं। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वह क्या होगा, -3 से लेकर के 3 तक। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे आप x की जो वैल्यूज़ है वह -3 से 3 के बीच में जितने नंबर हैं और -3 और 3 यह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज डोमेन हुआ क्लोज इंटरवल -3 से 3। अभी हम लोग डोमेन पे हैं, रेंज निकालना हम लोग इसके बाद सीखेंगे। अब देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है उस पर आते हैं। fx इज इक्वल टू 1/√(x-1), तो आप सबसे पहले इसको y लिख दीजिए, y इज इक्वल टू √(x-1), तो देखिए क्या, y इज एग्जिस्ट इफ x-1 > 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए रूट है तो रूट तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी हो, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर है ना, तो अब रूट के अंदर 0 भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ > 1। इसका मतलब x > 1 मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप y की जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वह ऐसे x के लिए करेगी जो 1 से ग्रेटर होंगे। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वह ओपन इंटरवल 1 to ∞ होगा। मतलब क्या, यहाँ पे आप 1 नहीं रख सकते, 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर हम लोग रख सकते हैं। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है ओपन इंटरवल 1 to ∞ है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/√(x-x). तो पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं, fx इज इक्वल टू 1/√(x-x) है ना। तो पहले इसको y लिख लीजिए, 1/√(x-x). तो y देखिए, y इज एग्जिस्ट इफ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट में जो क्वांटिटी है वह 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो 0 भी नहीं हो सकती ना, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए x > |x, तो इसका मतलब है कि इसमें वह x आप ले सकते हैं जो अपनी मॉडुलस वैल्यू से बड़ा हो। तो अब अगर ध्यान देंगे तो कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होता है जो अपनी मॉडुलस वैल्यू से बड़ा हो, मॉडुलस वैल्यू से बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन कोई भी रियल नंबर अपनी मॉडुलस वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे देखिए 5 रखिए, क्या 5 > 5 नहीं ना, और निगेटिव रखिए, -5 > -5 मतलब 5 नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन जो है एम्प्टी सेट होगा, मतलब
कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होगा जो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन एम्प्टी सेट हुआ। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपान अंडर रूट एक्स प्लस मॉड एक्स, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू वन अपान अंडर रूट एक्स प्लस मॉड एक्स। अब यहाँ पर देखिए वाई कब एग्जिस्ट करेगा, वाई इज एग्जिस्ट इफ कब एक्स प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो केवल और केवल तभी सेटिस्फाई होगा जब एक्स पॉजिटिव नंबर होगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर रखेंगे देखिए सेटिस्फाई करेगा, जैसे आप 5 रखिए 5 प्लस मॉड 5 कितना हो गया 10, ग्रेटर देन जीरो ना। नेगेटिव नंबर रखेंगे तो यह जीरो आएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, यह केवल और केवल तभी जब आप एक्स की जगह पॉजिटिव रियल नंबर रख रहे हैं। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वह जीरो टू इन्फिनिटी होगा, जीरो भी आप नहीं रख सकते, जीरो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वह जीरो से बड़े रियल नंबर होंगे। अब उसके बाद देखिए हम लोग थर्ड पार्ट में आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपान अंडर रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, तो आप इसको वाई लिखिए वन अपान अंडर रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, वाई इज एग्जिस्ट कब इफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स ग्रेटर देन जीरो। देखिए उसी कॉन्सेप्ट में लोग चल रहे हैं ना, इसका मतलब वहाँ पे हुआ कि एक्स गेट माइनस दिस ग्रेटर देन जीरो है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो बिहेवियर होता है वह इंटीजर और नॉन इंटीजर पे होता है। तो अगर आप यहाँ पे इंटीजर रख रहे हैं, देखिए टू रखिए, टू ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, यहाँ टू रखेंगे टू आएगा ना, टू ग्रेटर देन टू नहीं, कोई भी इंटीजर इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। हाँ अगर आप नॉन इंटीजर रखते हैं जैसे 1.5, तो देखिए यहाँ पे 1.5 तो यह 1 हो जाएगा, 1.5 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे नॉन इंटीजर आप एक्स की जगह रखेंगे तो यह सेटिस्फाई करेगा, कोई भी नॉन इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वह आर माइनस जेड, मतलब रियल नंबर तो होगा लेकिन इंटीजर को छोड़ करके सभी इंटीजर को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वह आर माइनस जेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इंटीजर्स नहीं रख सकते, इंटीजर इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। हाँ नॉन इंटीजर रख सकते हैं, इसलिए इसका जो डोमेन है वह आर माइनस जेड है। तो देखिए आज हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन लगाए जहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन गिवन था और उसका डोमेन निकाला। ठीक है, तो किसी फंक्शन का डोमेन निकालना इसका मतलब है कि यह पता करना कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू उस फंक्शन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ऐसी सभी वैल्यू का जो कलेक्शन मतलब जो सेट होगा उसी को फंक्शन का डोमेन कहते हैं। तो अगर आप इतने जो क्वेश्चन हमने लगाए हैं और उसको सही ढंग से समझ गए हैं तो बहुत से क्वेश्चन के डोमेन आप ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी गिवन फंक्शन का रेंज निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए सीखते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर।